हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल बायोलॉजिक स्टडीज। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि हम लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम लोग जो हमारे पास लाइट माइक्रोस्कोप था उसमें तो हम लोग लाइव और डेड दोनों सेल्स को ऑब्जर्व कर पा रहे थे, ठीक है। तो जरूरत क्या पड़ी, क्योंकि इसकी यहाँ पे इंस्टेड ऑफ अ लाइट सोर्स ये यूज क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन सोर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ बहुत ज्यादा कम होती है, उसकी वजह से इसका रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। ये अप टू 5.5 नैनोमीटर्स की ये रेजोल्यूशन देता है, एंड इसको मैग्निफिकेशन भी इसका बहुत ज्यादा होता है, अराउंड 1 लाख टाइम्स, ओके। ड्यू टू शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये एक हाई रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन की बीम जब भी हमारे स्पेसिमेन पे पड़ेगी तो सिंस ये बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती है, ठीक है, तो हमारे जो सेल है वो लाइव तो रहेगा नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग डेड सेल्स को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन उसकी उसकी रेजोल्यूशन बेटर करने के लिए, फॉर बेटर रेजोल्यूशन एंड मैग्निफिकेशन, ओके। मूविंग फॉरवर्ड ये देखते हैं कि ये लाइट माइक्रोस्कोप से डिफर कैसे कर रहा है, ठीक है। पहला कि हमारा यहाँ पे लाइट सोर्स होता है, यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन सोर्स है। इलेक्ट्रॉन सोर्स के लिए हम लोग टंगस्टन की फिलामेंट को यूज करते हैं, ठीक है, एंड ये अराउंड हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज प्रोवाइड करता है बिटवीन द एनोड कैथोड एंड द एनोड, ठीक है। और ये जो हमारा ये मैं आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है, पहले इसका आउटर स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। ये है हमारा कंडेंसर लेंस, कंडेंसर लेंस की जगह रिप्लेस हो गया कंडेंसर अपर्चर। देन आया हमारा स्पेसिमिन, यहाँ पे स्पेसिमिन प्लेस है और यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेटिक लेंसेज प्रेजेंट है। अब मैग्नेटिक लेंसेज क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक लेंसेज फोकस करते हैं हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन बीम को टू द स्पेसिमिन और यहाँ पे स्पेसिमिन से डिटेक्टर की तरफ। सिंस ये हमारी इलेक्ट्रॉन की बीम है, हम विद आवर नेकेड आई ये तो देख नहीं सकते, ठीक है, तो उसको किस तरीके से देखते हैं, उसको हम देखते हैं वाया डिटेक्टर्स, ठीक है। डिफरेंट डिटेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो उसको सिग्नल्स को एम्पलीफाई करके कंप्यूटर स्क्रीन पे हमें शो करवा रहे हैं, ठीक है। सो ये है एक बेसिक सेटअप कि ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज हैं, एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज को हम लोग हाई वैक्यूम पे रखते हैं। हाई वैक्यूम पे इसलिए रखते हैं बिकॉज हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा डिस्टेंस तक मूव नहीं कर सकते। यहाँ पे हाई वैक्यूम क्यों रखते हैं, क्योंकि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाते इन एयर, ठीक है, इसलिए इनके लिए वैक्यूम इम्पोर्टेंट होता है। ऑल्सो क्योंकि जितने भी एयर पे में जो पार्टिकल्स हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है ऑफ इमेज को शो करने का, इट इज कि ये हमें कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है वाया स्कैटरिंग, राइट, स्कैटरिंग के थ्रू ये हमें एक इमेज प्रोड्यूस करता है, एंड वो इमेज हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि यहाँ से ट्रांसमिट हो रही है या फिर अगर रिफ्लेक्ट बैक भी हो रही है स्पेसिमेन से, ये हमारे डिटेक्टर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, हमारी इलेक्ट्रॉन बीम यहाँ से जो आई और यहाँ पे जो आई ये डिफर कर रही है, ठीक है, ये डिफर इसलिए कर रही है क्योंकि बीच में स्पेसिमेन है। वो ऑब्वियसली बात है, सेम प्रिंसिपल जैसे हमारा लाइट वेव का होता है कि स्कैटरिंग होगी और इमेज उसी तरीके से प्रोड्यूस होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे वैक्यूम नहीं होगी और एयर प्रेजेंट होगी तो जो छोटे छोटे एयर के पार्टिकल्स होंगे वो भी हमारे जो एयर पार्टिकल्स हैं वो भी स्कैटरिंग करवाएंगे इलेक्ट्रॉन बीम्स की, एयर पार्टिकल्स की स्कैटरिंग को प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने वैक्यूम दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन सोर्स की। इलेक्ट्रॉन सोर्स क्या है, यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट या फिर हम लोग लिथियम ब्रोमाइड भी यूज करते हैं। यहाँ पे दिस इज कैथोड एंड दिस इज एनोड। जब भी कैथोड से हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होंगे वो जाएंगे हमारे एनोड की तरफ। सिंस जो कैथोड है अकॉर्डिंग टू पैनिक कैथोड
कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज, दिस इज नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा एंड दे विल गेट इन टू द इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स पे पहुंचेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स वाया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेस हमारे पास पहुंचेंगे, ओके। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, दे आर ऑफ टू टाइप्स, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज सेम एंड टेम। सेम क्या करता है, सेम इज स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड टेम क्या है हमारा, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो स्कैनिंग मतलब ये बस आउटर सरफेस को देख रहा है, ठीक है, ये बस स्पेसिमेन की आउटर सरफेस को देखता है, ठीक है, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन बीम पड़ रही है और इसी तरीके से यहाँ पे स्कैटर हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, स्कैटर हो रही है, एंड यही चीजें डिफरेंट डिफरेंट डिटेक्टर्स इनको डिटेक्ट करते हैं और हमें एक सिग्नल जो भी प्रोड्यूस हो रहा है वो सिग्नल मॉड्यूलेट करते हैं इमेज के पिक्सल्स को। यहाँ पे जो हमारे पास स्प्रेड इलेक्ट्रॉन बीम है ये हमारे स्पेसिमेन पे पड़ती है और एज द नेम सजेस्ट ट्रांसमिशन मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिट कर रहे हैं सैंपल को, ठीक है, और ये जो ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मॉड्यूलेट करते हैं इमेज के पिक्सल्स, ओके। सो यहाँ पे सिंस हम लोग इसकी सरफेस से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें एक 3D इमेज मिलती है और यहाँ पे एक 2D इमेज मिलती है, ओके। मूविंग फॉरवर्ड डिटेल में पढ़ते हैं अबाउट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। सो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास ये हमारा इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन गन है जो हमारा इलेक्ट्रॉन का सोर्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं हमारे थ्रू, यहाँ पे एनोड है, ठीक है, यहाँ पे ये एक हाई वोल्टेज पे प्रेजेंट होते हैं अराउंड द वोल्टेज ऑफ 5 to 50 किलो वोल्ट, ठीक है, इतना इसका होता है वोल्टेज होता है, ठीक है, इतने वोल्टेज पे ये इलेक्ट्रॉन बीम्स इसे पास कर रही हैं डिफरेंट लेंसेज से, लेंसेज पे जाके ये यहाँ पे जाती है स्पेसिमेन के पास, ठीक है। यहाँ पे हमारी बीम की वेलोसिटी थोड़ी सी कम होती है क्योंकि हमें उसको ट्रांसमिट नहीं करना है, ठीक है, हमें बस उसके सरफेस को देखना है, तो यहाँ पे हमारी लो वेलोसिटी से बीम ऑफ लाइट पहुंच रही है इस पे, ओके। यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, वैक्यूम चेंबर है हाउस कर रहा है स्पेसिमेन की स्टेज को, पूरा ये वैक्यूम से वैक्यूम है इसमें, मतलब एयर पैसेज इज नॉट अलाउड, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने इसको देखा था ना, दिस इंश्योर्स ये जो हम देख रहे हैं, ठीक है, दिस येलो पार्ट, ठीक है, ये वाला जितना भी स्ट्रक्चर है ना ये हमारा पूरा वैक्यूम प्रोवाइड करके रखता है सो दैट एयर पार्टिकल्स इसके स्पेसिमेन में जा ना पाए, ठीक है, ये वैक्यूम क्यों प्रिवेंट बना के रखता है, वैक्यूम इसलिए बना के रखता है ताकि एयर पार्टिकल से स्कैटरिंग ना हो, ऑल्सो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्पेसिमेन तक पहुंच जाए बिकॉज एयर में इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर सकते, ठीक है। सिलेक्शन होती है डिटेक्टर्स की जो कि सिग्नल्स को कलेक्ट करेंगे एंड एमिट करेंगे फ्रॉम द स्पेसिमेन, ओके। सो यहाँ पे हमारी स्कैनिंग कॉइल्स हैं, तो यहाँ पे हमारे बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स हैं, यहाँ पे हमारे सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स हैं, यहाँ पे हमारे एक्सरे डिटेक्टर्स हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने सैंपल को प्लेस किया हुआ है, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डिटेक्टर्स प्रेजेंट हैं, डिफरेंट डिटेक्टर्स एज इन यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रॉन बीम गई और सरफेस के थ्रू ये जब रिफ्लेक्ट बैक हुई है स्कैटर हुई उसको डिफरेंट डिटेक्टर्स डिटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर है, सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर एज इन जब हम इसकी सैंपल प्रिपरेशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग इसको सर्फेस को कवर कर देते हैं किसी गुड कंडक्टर से, ठीक है। उसमें क्या होता है कि जब भी प्राइमरी इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है,
ये प्राइमरी इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करेगा और सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा, ठीक है। यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन आया वो दैट वुड बी अ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन, वो आएगा और वो एक वो ऐसे उसको हिट करेगा, वो एक इलेक्ट्रॉन को एमिट करेगा एंड दैट वुड बी नोन एज सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को डिटेक्ट करता है, इसके सिग्नल्स काफी वीक होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एम्पलीफायर से अटैच होता है एंड वाया एम्पलीफायर ये मूव करता है कंप्यूटर सिग्नल्स के पास, कंप्यूटर के पास लेके जाता है टू डिटेक्ट द सिग्नल्स इनटू एन इमेज, ठीक है। यहाँ पे जो हमारी ये है बैक स्कैटर, इसकी वेवलेंथ जो होती है वो इनसे मतलब उसकी एनर्जी इस इन वाले इलेक्ट्रॉन से थोड़ी ज्यादा होती है, तो ये इनको डिफर करते हैं, ठीक है, इनसे डिफरेंशिएट करते हैं। जिन जो भी इनसे ज्यादा जिनकी एनर्जी है वो हमारे बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन डिटेक्टर्स डिटेक्ट करते हैं, और कुछ एक्सरे डिटेक्टर्स भी हैं जो एक्सरेज को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी इमेज कंबाइन होती है, स्कैन किया जाता है वाया स्कैन जेनरेटर और उससे हमें एक इमेज मिलती है। देखते हैं कौन कौन से स्कैनर्स प्रेजेंट होते हैं और ये कहाँ कहाँ की सरफेस को कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी बीम आई है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारी बीम है, ठीक है, यहाँ से हमारी बीम आ रही है। बीम जब भी आ रही है तो सरफेस पे से वापस जा रही है, तो ये सरफेस एटॉमिक कॉम्पोजिशन बताता है ऑगर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रोपोलॉजिकल इंफॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। बैकस्कैटर इलेक्ट्रॉन्स जो एटॉमिक नंबर और फेज डिफरेंस बता रहे हैं। कंटिन्यूम एक्सरेज एक्सरेज को कलेक्ट कर रहे हैं एंड कुछ होते हैं ल्यूमिनेसेंस। ये देखो सैंपल के डिफरेंट डिफरेंट लेयर से जा रहे हैं, राइट। ये जो सबसे टॉप लेयर से गया इज ऑगर इलेक्ट्रॉन, देन उसके नीचे से थोड़ा सा गया सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। देन बैक स्कैटर इलेक्ट्रॉन्स ने थोड़ा नीचे से वो किया, ठीक है, नीचे से ये इलेक्ट्रॉन्स को रिफ्लेक्ट करवाया, यहाँ पे स्कैटर करवाया, यहाँ पे हमारा जो एक्सरेज है वो बीनीथ जाके उसकी एनर्जी थोड़ी कम है, ठीक है। हम देख सकते हैं इसके मतलब जो ये साइज इमेज का साइज बनाएगा वो भी डिफर कर रहा है, ठीक है, ये ज्यादा बड़ा है, फिर ये बहुत ज्यादा कम छोटी छोटी इमेजेस को भी देख पा रहा है। अगर इसका रेजोल्यूशन इतना क्लियर है तो ऑब्वियसली बात है ना हमारी इमेज बहुत ज्यादा अच्छी आएगी, राइट। एंड डिफरेंट डिफरेंट डिप्रेशन और वो सारी चीजें ऑब्जर्व हम कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसकी सैंपल प्रिपरेशन कैसे होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को का पहला स्टेप है फिक्सेशन, जहां पे मैंने इसको फॉर एग्जाम्पल ये मेरा माउस है, मैंने मेरे को माउस का मेरे को इसका साइज कट करना है एंड देन साइज कट करने के बाद मैं इसको क्या कर रही हूँ, मेरे को साइज कट करना है, ठीक है। पहले मैंने डाइसेक्शन किया फिर मैंने उसको साइज पे कट कर लिया जितना मेरे को जो मेरे को देखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे उसका कोई सेल्स हैं एपिडर्मल सेल्स हैं या मुझे पर्टिकुलरली कोई इसके सेल्स देखना है तो मैं वो देखूंगी, ठीक है, उनको कट करूंगी, देन मैं उनको फिक्स करूंगी। फिक्स किससे करूंगी, ब्यूटेराल्डिहाइड से। ये क्या करता है, ये मेरे को प्रोवाइड करता है कि मैं इसकी एंड दो ये डेड हो जाएगा, डेड स्टेट में होगा, लेकिन ये लिविंग वाली इंटीग्रिटी मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, जैसा है मैं इसको वैसे ही रखूंगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास बफर वॉश, हम इसको बफर वॉश करते हैं। वो क्यों करते हैं, क्योंकि हमें जो फिजियोलॉजिकल पीएच है उसी में मेंटेन करके रखना है इसको, ठीक है। एंड देन पोस्ट फिक्सेशन वॉशिंग, देन इसको हम डिहाइड्रेट, देन सेकेंड स्टेज इज डिहाइड्रेशन, सॉरी आई हैव मिस्ड सम, यहाँ पे एक दूसरी स्टेज मतलब फिक्सेशन के बाद, फिक्सेशन इज द फर्स्ट स्टेज एंड देन हम करते हैं सेकेंड इज डिहाइड्रेशन। मैं यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ डिहाइड्रेशन को, देन हम करते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। डिहाइड्रेशन में क्या करते हैं हम कि जितना भी वाटर की प्रेजेंस है हम पूरी की पूरी वाटर को रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, वाटर पूरा हटा देते हैं इसमें से, देन
कि वो इलेक्ट्रॉन की बीम को पास होने दे एंड वहां पे कोई भी डिस्टरबेंस प्रोड्यूस ना करे, क्योंकि वहां पे अगर डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होगा तो वो उसके इमेज के आर्टिफैक्ट्स को थोड़ा सा वो डिस्टर्ब करेगा काफी ज्यादा। ठीक है, हम इंश्योर करते हैं कि ये पूरे के पूरे डिहाइड्रेटेड हो। उसके बाद इंश्योर करने के लिए हम लोग एयर ड्राइंग भी कर सकते हैं इसकी, या फिर हम इसका क्रिटिकल पॉइंट है ड्राइंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हम सैंपल को माउंट करते हैं। सैंपल को माउंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपल को हम कोट कर देते हैं, सैंपल को हम कोट कर देते हैं विद गोल्ड प्लेटिनियम एडिनियम या फिर ग्रेफाइट ग्रेफाइट। ये क्यों? क्योंकि दीज ऑल आर द गुड कंडक्टर्स। ये जो कोटर है ये प्रोवाइड करेगा दीज आर द गुड कंडक्टर्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन अपने ऊपर नहीं होने देते। ठीक है, कंडक्टर्स पता है तुरंत इलेक्ट्रॉन को पास करवा देंगे, बेसिकली है तो करंट ही। ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर एक्यूमुलेट नहीं होने देंगे। ठीक है, एक्यूमुलेशन को प्रिवेंट करेंगे। और जो सिग्नल्स हमारे जो जितने भी स्कैटर हुए हैं, ठीक है, वो हमारा सेम डिटेक्ट करके एक प्रॉपर इमेज दे देगा। सो दीज आर द इमेजेस दैट इज प्रोड्यूस्ड सिंस, देखो ये डिप्रेशन कितनी क्लियरली ये शो कर रहे हैं। ठीक है, एक 3D इमेज दिखा रहे हैं, बिकॉज जो सेकेंडरी है इलेक्ट्रॉन्स है उसकी एनर्जी लो है। ठीक है, वो एक पर्टिकुलर टाइप का वो दिखा रहा है, एक इमेज दिखा रहा है, एक डिप्रेशन दिखा रहा है। ठीक है, वैसे ही जो हमारा वो है जो डिफरेंट डिफरेंट डिटेक्टर्स हैं वो डिफरेंट 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 डेप्थ पे जाके उसकी इमेज को प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसकी वजह से सी इतना प्यारा 3D स्ट्रक्चर आ रहा है एंड इसकी रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू हम लोगों ने लाइट माइक्रोस्कोप में यूज किया था। मैंने लाइट माइक्रोस्कोप में RBC इसकी इमेजेस दिखाई थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डू गो एंड वॉच इट। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, प्लीज वो वीडियो देख लेना अगर आपने नहीं देखा। और अगर रेजोल्यूशन या मैग्निफिकेशन या उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो आपको फर्स्ट पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोपी से पता चल जाएगा। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को वायरसेस को विजुलाइज करना है तो मैं वायरसेस को लाइट माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाती देख सकती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, राइट? तो उनके लिए मैं सी कितनी अच्छी इमेजेस, लाइक कोड प्रोटीन्स की, स्पाइक प्रोटीन्स की, कितनी प्यारी इमेज ये शो कर रहा है, राइट? तो ये 3D इमेज में इमेज प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हम इसकी टोपोलॉजिकल मॉर्फोलॉजी बिल्कुल देख सकते। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब अवर चैनल टू स्टे ट्यून्ड विद सर्च वीडियोज एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।